आप सब लोगों को नमस्कार। और मन बेहद इतना उदास है कि पूछो मत। तुम जिस प्रकार से नए वाले बच्चों का अब पेपर हो गया है ना ऑफलाइन, लास्ट वाले की तरह, मैं हमेशा कहता हूँ यूनिटी बना के रखो, उस काम के ऊपर चलो जहाँ से रिजल्ट आए। अब कोई इन बच्चों की जिम्मेवारी नहीं लेगा ध्यान रखना, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा बेटा ध्यान रखना। आखिरकार जंग खुद को लड़नी, और अब रात को 12:15 बज चुके हैं, लेकिन अब मैं ये भविष्य इतना अंधकार में बच्चों के लिए क्या करें। अब ये बच्चे नौकरी कैसे लगेंगे, पहला सवाल तो ये है। एज चली जाएगी, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अब जाके कंडीशन ऐसी होगी कि इन बच्चों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। कोई किसी को समय नहीं है तुम लोगों के लिए यार, तुम देखा करो, और तुम जानते भी वास्तविकता क्या है, ठीक है। और वास्तविकता जितनी तुम अच्छे से परिचित हो, लेकिन फिर भी तुम उन चीज़ों को हटा देते हो। खुद के लिए लड़ना है तो आगे बढ़ो, आपके पेरेंट्स को आगे लेके आओ आप, अदरवाइज दूसरा कोई चांस ही नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि यार मेहनत कर मेरे दोस्त, बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ बेटर वैसे होगा। आप प्रयास करो बस, बाकी चीज़ें तो ऐसे ही चलेंगी। लेकिन ये इतना गहरा दुख है ना इस बात को लेके कि इन बच्चों के भविष्य का क्या है यार। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि एनडीए वाले बच्चे में और एयरफोर्स वाले बच्चे में, नेवी वाले बच्चे में कितना फ़र्क है। हर कोई ऑफिसर के बारे में सोचता ही नहीं है गाँव के अंदर। उनको होता है कि छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, एक्सपेक्ट ग्रुप की बहुत खुश है, शादी हो जाएगी, बच्चों की, परिवार खुश हो जाएगा, माता पिता की सेवा कर दूंगा। लेकिन ऐसे मौक़ों पर आके इट फील सो बैड, ठीक है ना। और अकेला मैं लास्ट टाइम भी लड़ रहा था, इस बार भी मैं लड़ूंगा ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा से चीज़ों को इस बार, पिछली बार हाई कोर्ट में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भाई। देखो मैं जिस दिन से मैंने बच्चों के लिए बेड़ा उठाया था कि काम करना है, उस दिन से मैं लगा हुआ हूँ। कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, क्या उखाड़ेंगे 200 वैकेंसी में भाई, हैं 200 वैकेंसी में क्या उखाड़ लेंगे हम लोग। बैच में 3000 वैकेंसी का सुपड़ा साफ हो गया। अब लॉकडाउन में तो नंबर ऐसे बंदर बांट हुई है, 95, 97, उनके लिए बहुत खुशी है मुझे। देखो जिसका भी कॉल लेट रहा था उसके लिए तो वो भी बच्चा अपना ही है, लेकिन एक मेजोरिटी बच्चों को अवॉइड कर दिया गया है। परसेंटेज किसी बच्चे को मापदंड नहीं है कि वो अच्छा है बुरा है, ये कोई पैमाना नहीं हो सकता मेरे दोस्त, है ना। अभी देखो मतलब कितना सन्नाटा हो गया ना, पीछे हॉस्टल की तरफ देखो, कोई बच्चा बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हर कोई एक तरीके से क्या है, देखो पूरा पूरा क्या है, यहाँ पर इधर की तरफ पूरा सन्नाटा है। रीज़न उदास हो गए हैं बच्चे, इतनी मेहनत करें सर, इतना काम करें, इतनी बार इतनी लगातार मेहनत करने के बावजूद भी कितना, और मतलब यार एक लिमिट होती है, लेकिन लिमिट टूट चुकी है। मन दुखी है यार, उम्मीदें मतलब इस इतनी बुरे तरीके से जर्जर हालत में है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बाकी आप सब लोगों को देखना है, व्हाट डू यू वांट। और अभी ये खुदा न खास्ता अगर ये सच हो जाए, वैसे तो मुझे लगता है सच होगा, ये लास्ट टाइम भी ऐसा ही धमाका हुआ था, तब भी हम लोगों ने कहा था वेट 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 वेट, आते आते तो हो गया सब वेट, ठीक है। एलिगेशन लगाए गए तुम जानते हो लास्ट टाइम भी, कि पैसे खा गए, कोर्ट में नहीं गया, वो गया, ये हुआ वो हुआ। फिर सालो तुम तो घर से आते नहीं हो, कोई काम करे उसको तुम डिग्रेड करते हो, हाँ ये सच्चाई है यार, समझो बेटा इस चीज़ों को। यूट्यूब की दुनिया में और रियल की दुनिया में बहुत दिन रात का फ़र्क है, बहुत सारे लोग तो पता चल गया उनको क्या फ़र्क है उस चीज़ का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत कीजिए, ऊपर वाले को देखो, और देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। कल सुबह बात करते हैं।